नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जाएंगे कि RUHS की जो प्री परीक्षाएं होगी उसी से ही BS इंदर सिंह में इस बार दाखिला मिलेगा। पहले बताया जा रहा था कि इस बार नीट के थ्रू एडमिशन होंगे, पर राजस्थान ने इस बार ये क्लियर किया है कि ये प्रोसेस अगले साल से लागू किया जा सकता है। पर इस बार BS इंदर सिंह की जो RUHS की प्री परीक्षाएं होती है, हर बार होती है, जिसमें आपको बता दें कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे लगभग 60-70 की जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाती है हर बार को, उसका यही क्राइटेरिया रहता है। तो इस बार वो भी परीक्षाएं होगी और उसी से BS इंदर सिंह में एडमिशन आपको मिलेगा। तो पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क से खबर है कि BS इंदर सिंह के लिए इस प्रवेश में इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ ऑफ साइंस यानी RUHS की ओर से आयोजित प्री परीक्षा के माध्यम से जो है एडमिशन दिया जाएगा। ये परीक्षा शीघ्र आयोजित की जा सकती है। पहले नीट के माध्यम से BS इंदर सिंह प्रवेश देने की बात चल रही थी, परंतु इसे राजस्थान ने फिलहाल एक साल के लिए टाल दिया, मतलब अगले साल से ये लागू होगा। इस साल के लिए बच्चों को और राहत दी गई है। राज्य के जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य अब्दुल वाहिद ने बताया कि सत्र 2021-22 के लिए BSc नर्सिंग कॉलेज, जो कि 4 साल की डिग्री कोर्स है, में नीट से दाखिले नहीं होंगे। जिन अभ्यर्थियों को BSc नर्सिंग में प्रवेश लेना, वे RUHS की ओर से आयोजित की जाने वाली प्री परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि परीक्षाओं में प्राप्तांक के आधार पर उच्च अंक वाले को राजकीय और उसके नीचे आपको पता ही जो निजी कॉलेज देने का जो आवंटित होगी, ठीक है। राज्य की BSc नर्सिंग ऑटोनोमस कॉलेज है, जो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर अधीन है, ठीक है। यानी कि इसमें साल की फ़ीस 50,000 रुपये और छात्रा की फ़ीस 20,000 रुपये है, ठीक है। सरदार ये पटेल मेडिकल ऑफ कॉलेज बीकानेर की बात चल रही है। और निजी क्षेत्र में 70,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस है जो सरकार की ओर से ली जा रही है। और वही GNM में प्रवेश की परीक्षा पर भी शीघ्र इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इंदर सिंह आचार्य अब्दुल वाहिद ने बताया कि GNM जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, में प्रवेश परीक्षा भी जल्द से शुरू होने वाली है। इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर राजकीय निजी स्कूल में चयन होगा, देख लीजिए। यानी कि इसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा प्राप्तांक के आधार पर, यानी इस बार एग्जाम वगैरह नहीं है इसका कोई, सिर्फ और सिर्फ आपके जो बेस है परसेंटेज बेस पर आपको लिया जाएगा। राज्य के नर्सिंग स्कूल की फीस 180 रुपये सालाना और निजी नर्सिंग स्कूल की फीस 50,000 रुपये सालाना है, ठीक है। तो अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो 70,000 रुपये है, और कुछ कुछ कॉलेजों में इसमें फीस का कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, कुछ फार्म वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह के साथ साथ में लेते हैं। तो ये इसकी जनरल प्रोसेस है। तो अब जो है ये एग्ज़ाम जल्दी होने का बता रहे हैं, तो जल्दी मतलब हर बार की तरह इसी महीने में इसके जो है एग्ज़ाम वगैरह फॉर्म वगैरह निकल करके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आगे की न्यूज़ आएगी तो आप हमारी से, जो भी बच्चे नए जुड़े हो इस YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आपकी एग्ज़ाम डेट है और फॉर्म डेट है, जब भी आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के अंदर भी आपको एक चालान कटेगा। चालान के बाद वो आपको चालान जमा कराना का भी कुछ अलग सा प्रोसीजर रहता है, ओरिएंटल बैंक से वो चालान वगैरह जमा होते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके हर प्रकार से संभव मदद करेंगे। आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करके अपने जितने भी जो नए फ्रेंड्स हैं उनको एक बार जोड़ दें। आगे की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी और जिस तरीके से जो आगे की परफॉर्म होगा वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट की भी आने की तैयारी है, जो कि अभी एग्ज़ाम हुए थे तो उनके भी लगभग 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा कल सुनने में आया। कल शाम को या परसों शाम तक ऐसा कुछ बना है। तो जो भी आप हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बहुत